ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम ने सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। कार्यालय उद्घाटन समारोह में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि अब तक लोकसभा के लिए 17 चुनाव हो चुके हैं और इनमें से रायपुर लोकसभा से 8 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह केंद्रीय कार्यालय चुनावी युद्ध लड़ने के लिए चौकी का काम करेगी। 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके और हम सबका सौभाग्य है कि 17 में 8 बार रायपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया है। पहली बार हमने 89 के चुनाव में रायपुर लोकसभा में सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद 96 से लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं, 96 से लगातार 6 बार माननीय रमेश बैजी जीते, उसके पहले 89 में जीते, ऐसे वो 7 बार सांसद हैं। और 2019 में आदरणीय सुनील सोनी जी ने जीत का रिकॉर्ड कायम किया। पूरे देश का अगर अपन अवलोकन करेंगे तो 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके जी जान से काम करेंगे और रायपुर लोकसभा सीट को ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय दिलाएंगे, ये हमारा संकल्प है। सीटें हमको जीत कर आना है, लाना है और मोदी जी की झोली में डालना है। मोदी जी को बताना है कि मोदी जी आपकी गारंटी पर हमने छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव जीता है। जय जय श्री राम। अब आपकी गारंटी पर हम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीत कर भी आपको देंगे। आपने कश्मीर से 370 हटाया है, आपने 3 तलाक समाप्त किया है, आपने जन जन की इच्छा अपेक्षाओं के अनुरूप अयोध्या में प्रभु राम मंदिर का निर्माण करवाया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।